हमारे योगी जी हैं महात्मा संत आदमी, और संत विधानसभा में नहीं बैठते, वो मंदिरों में उन्हें बैठना जो उनका जो मठ है वो वहीं पे रहे। अच्छा, सरकार 2022 में बाबा जी की बननी है, किसी सरकार में राइफल की फाइल गोल हो जा रही है वो पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, पता नहीं पहले की सरकार में राफेल में कहाँ पहुँच गया? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जातिवाद कर रही है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम हिंदू टुकड़ों में तोड़ दिया, तोड़ दिए। बाबा घंटी बजाए, बाबा को बोलिए बाबा घंटी बजाए, बाबा के लड़के बच्चे नहीं है। प्रदेश तुम्हारे आज किसानों ने बहुत अच्छा भाषण दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि योगी सरकार को जड़ से मिटाना है। माफिया गुंडे सब चले गए जेल, ठीक है, अब किसी की नहीं है खैर, ठीक है। 2022 में बाबा की सरकार बनेगी, 350 सीट आएगी कम से कम, 350 सीट दे रहे हैं, 350 पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी जीत रही है, साथ है अखिलेश यादव के साथ है। अखिलेश यादव आ रहे हैं, अच्छा काम किया, एम्बुलेंस चलाई, अखिलेश यादव भी अखिलेश यादव 2016 से परेशान है ट्रेनिंग लेने के, इतना परेशान हो योगी जी से। तो मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया, इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में। लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत हुई है, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि राकेश टिकैत यहां आएंगे तो बक्कल उतार दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आज किसानों की महापंचायत हुई है। तो लखनऊ से मूड जानेंगे, लखनऊ की जनता का मूड क्या है, क्या किस और जा रही है लखनऊ की हवा, और किसको इस बार अपना मुख्यमंत्री देखने जा रहा है लखनऊ के लोग। क्या नाम है आपका? जी सर सोनू नाम है। सोनू जी किसको देखेंगे इस बार मुख्यमंत्री? अब हमारे हिसाब से तो लग रहा है आगे आदित्य योगी नाथ तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी, नहीं कर पा रहे तो किसको लाएंगे इस बार? अब इस बार हमारे अखिलेश भैया हैं, अखिलेश भैया को ला रहे हैं, आप बताइए। अखिलेश यादव आ रहे हैं, कहाँ है? अच्छा काम किया, एम्बुलेंस चलाई, अखिलेश यादव भी अखिलेश यादव 2016 से परेशान है ट्रेनिंग लेने के, इतना परेशान हो योगी जी से? परेशान है भैया, की बात करें महंगाई से कितना संतुष्ट है? बट महंगाई तो बहुत हो रही है, अब की बार जिस चीज का रेट बढ़ना चाहिए उसका नहीं बढ़ रहा है, किसान सबसे ज्यादा मर रहा है। आज किसान गन्ने का, हाँ गन्ने का रेट इतना कम है, चीनी तो कम से कम पहुंच रही है 35-35 रुपए, और गन्ने का रेट वही मिल रहा है 300 रुपए। ₹5 नहीं, आपको नॉलेज कहाँ से? अरे आप देख ली, अरे नॉलेज नहीं आ रही भाई, ये बताइए आपको व्हाट्सएप फेसबुक भैया सुनिए, ये व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो पढ़ते हैं वो ज्ञानचंद, एक मिनट भाई सुन लो ना उनकी, जो जो आप 25 रुपए जो बढ़ा रहे हो, सरकार तो 5 रुपए के लिए 25 रुपए। देखिए हमारे योगी जी हैं महात्मा संत आदमी, और संत विधानसभा में नहीं बैठते, वो मंदिरों में उन्हें बैठना, जो उनका जो मठ है वो वहीं पे रहे, ज्यादा अच्छा है। कहाँ इन चक्करों में पड़े हैं? कोई महात्मा आंधी, महात्मा आंधी जो होता है, अरे मिनट ऐसा थोड़ी ना करते। गन्ने के 25 रुपए आपको कहाँ से पता लगे? एक मिनट रुकते, यही बताइए 25 रुपए कहाँ से पता लगे? पहले ये बताइए, अरे वो बताइए ना भाई, पहले बताइए गन्ने के 25 रुपए योगी जी को बता दो कि सरकार बनने के बाद कितने फ्लैट इनके हो गए, कितने पैसे इनके हो गए। ये योगी जी और मोदी जी की बात कर रहे हैं, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? अमित शाह का नाम भूल गए? अमित शाह का नाम आप भूल गए? अमित शाह का नाम भूल गए? के बच्चे नहीं, वो बच्चों का बाप का दर्द क्या समझेंगे? अगर बता दो जितना, हाँ हिंदुस्तान में विकास, पांच काम बताइए मैं बता दूं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ठीक है, किसकी देन है? अरे रुक जाइए ना, अरे रुक जाइए, जो आगरा एक्सप्रेस वे है ना वो अखिलेश की देन नहीं है, जब मोदी की सरकार थी ना उन्होंने उसकी नींव रखी थी, ठीक है, आप इधर उठा के देख लीजिए, अरे सुन लीजिए, और राम मंदिर का जो है ना सुन लीजिए, ये भाजपा की सरकार में हुआ है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश दिया, दो काम हो गए, ठीक है, अरे रुक जाओ, और तीसरा काम है ना, अरे सुन लीजिए, जो आज सौभाग्य योजना के अंदर पूरे गांव में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कोई गांव बता जिस गांव में बिजली ना पहुंची हो। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप ये बताइए सरकार में कितनी वैकेंसियां फाइनल हुई हैं, बस इतना बताइए। स्टूडेंट की बात क्यों नहीं करे भाई? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, देश का बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप नौकरी की बात ना करें, आप पकौड़े तले, तेल 200 रुपए किलो हो गया सरसों का, आप बता रहा हूँ
बता रहा हूँ ये बताइए, किसी सरकार में राइफल की फाइल गोल हो जा रही है वो पता नहीं है? अच्छा ये बताओ, पता नहीं पहले की सरकार में राफेल में कहाँ पहुँच गया? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम टुकड़ों में तोड़ दिया, तोड़ दिया, फिर क्या बता रहा आप लोग? यही है कोई मुद्दा नहीं। अखिलेश, अखिलेश क्या बोलते हैं, यूपी के लिए बेटर मुख्यमंत्री है वो, जान लीजिए सबसे अच्छा। हमारे 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 पुलिस वाले 22 में 22 साइकिल आएगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक एक करके अच्छा चलो ठीक है, सुन बहुत बेटर है, मेरी बात से देख लेना, आप कंटिन्यू बोल रहे हो। बाबा को बोलिए बाबा घंटी बजाए, बाबा को बोलिए बाबा घंटी बजाए, बाबा के लड़के बच्चे नहीं है प्रदेश तुम्हारे। यूपी में क्या हाल है यूपी का? बहुत बेकार हाल है, जब से सरकार आए, योगी सरकार आए हैं, कोई भी काम अच्छे से नहीं किए हैं, ठीक है सर? अच्छा जी, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत सी दिक्कत आ रही है, हम लोग का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी अच्छा। देखिए हम लोग बैग लटका के घूम रहे इधर उधर, सब इन्हीं का देन है, ठीक है सर? ये योगी सरकार का देन है। अच्छा, युवा जो बेरोजगारी है जी, बिल्कुल। क्या करेंगे चुनाव में? हम इस बार अखिलेश यादव को बढ़िया चीज चुनेंगे और हमेशा लाइक करते हैं उनको ही चुनेंगे। आप बताइए क्या नाम है? बताइए। ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, मेरा सवाल ये है, किसान महापंचायत आज यहाँ हुई है, क्या फर्क पड़ेगा इसका यूपी चुनाव पर? यूपी चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अच्छा। बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अच्छा ठीक है, हाँ किसान पंचायत का, हाँ क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ क्यों ऐसे पड़ेगा? सुनिए, हम युवाओं के लिए हमेशा बहुत मैं हूँ, मैं आपसे जी नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? कहीं भी महापंचायत का फर्क नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा? अगर मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी से अच्छी कोई गवर्नमेंट है नहीं। क्यों क्यों नहीं है? इसलिए अच्छी गवर्नमेंट है, इसलिए अच्छी गवर्नमेंट है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, अभी मैं पूना प्लांट से टाटा की गाड़ी लेके आया था, ठीक है, मुझे हो गया 2 साल यहाँ आते आते, तो आज तक मैंने देखा है कहीं पुलिस वाले ने, कोई दादा ने, कोई गुंडा ने ना तो गाड़ी रोकी है, ना एक रुपए लिया है, माने कहीं भी गाड़ी रात को खड़ी कर दो। किसान एक साल से धरना दे रहे थे, बेकार, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, धरना। चलो ठीक है, ठीक है, मोदी जी ने का कोई मोदी जी ने वापस क्यों ले लिया फिर काम? मेरा मतलब है किसानों को मोदी जी ने मैं बता रहा हूँ क्यों वापस लिए। इसलिए वापस लिए है कि उन चुनाव का जो मुद्दा था ना, आज उसको बनाया था, उसी उन्होंने कहा है तो वापस ले लिए। मैं बता दे रहा ना आपको, मैं बता दे रहा ना आपको। जी जी जी, बात ये है, मुख्य बात ये है कि सब लोग अपना अपना स्वार्थ सेक रहे हैं। सब लोग अपना अपना स्वार्थ सेक रहे हैं। मोदी जी को हार देगी तो उन्होंने भी स्वार्थ देख लिया। सब कोई अपना स्वार्थ देख रहा है। अच्छा। मोदी जी भी अपना स्वार्थ देख रहे हैं, योगी जी भी अपना स्वार्थ देख रहे हैं। बिल्कुल रही बात, नेता कोई भी अपना स्वार्थ ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। रही बात लोगों की इस बीजेपी सरकार में, तो वो है कि ये जो सरकार है वो जनता का खून चूस कर और देश का विकास कर रही है। भैया एक मिनट बात सुन दो, देखो अंकल जी बुजुर्ग है, कुछ अच्छी बात बोलेंगे। देश का विकास जनता का खून चूस के कर रही है। अच्छा, अदरवाइज विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। निचोड़ लिया बीजेपी ने, पूरी प्राइवेटीकरण कर दिया जा रहा है। यही तो कह रहा है कि हमारा देश कैसा गुलाम हुआ था पहले, क्या करने आते हैं सरकार देख रहा है, अखिलेश की सरकार देख रहा है। महापंचायत आज हुई है, क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला है कि बीजेपी सरकार जा रही है। अच्छा, जा रही, इसीलिए कानून वापस लिया मोदी जी ने। कानून ये तो चुनावी स्टंट है उनका। गुंडे का चले गए जेल, ठीक है, अब किसी की नहीं है खैर, ठीक है। 2022 में बाबा की सरकार बनेगी, 350 सीट आएगी कम से कम। 350 सीट दे रहे हैं, 350 पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी जीत रही, युवा साथ है, अखिलेश यादव के साथ है। क्यों क्यों जीत रही है? अच्छा काम किया है। किसने अच्छा काम किया है? बहुत सी नेट पे वैकेंसी निकाली है, यूपीपी का वैकेंसी निकाली है, बहुत सारी वैकेंसियां निकाली है। इस सरकार ने नहीं निकाली? इस सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो क्या करेंगे इस बार? अच्छा आज महापंचायत हुई है किसानों की, क्या लग रहा है इस पे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, अखिलेश यादव को जा रहा है वो। अच्छा अच्छा भैया, हम ये पूछना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ऐसा क्या कर देंगे कि हम उनको बहुमत में लाएं? बता दीजिए आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए अखिलेश यादव ने किया क्या? किया है बताइए। अखिलेश यादव ने बहुत सारा काम किया है, बताइए। लखनऊ बना दिया है भैया, उधर से बनाया है। चलिए आप बता दीजिए, योगी जी कौन सा काम करिए तो बता दो भैया। देखिए काम दे दो यार,
भर्तियाँ जितनी पेंडिंग थी उन सभी अभ्यर्थियों को निकाल दिया गया और बहुत अच्छे से निकाला गया है। इससे पहले की राजनीति क्या थी, फार्म निकले, फार्म भराए, उनकी परीक्षाएं कब होंगी ये पता नहीं है भाई। परीक्षा में ठीक है। और हो गया, बताइए क्या नाम है आपका? गौरव सिंह हमारा नाम। गौरव जी, भर्तियों पे और नौकरियों पे कामकाज जो भाई, अपनी भर्ती में बताता हूँ, हम पीएससी में सिलेक्ट हैं, 3 साल से अपनी ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और योगी महाराज कहते हैं कि 6 महीने में सभी को नियुक्ति दे दी जाएगी। कहाँ का न्याय है, कहाँ नियुक्ति मिली है, किसी को नहीं मिली नियुक्ति। बाबा के सरकार में 4.5 लाख, मतलब चाहे आप ले लीजिए वित्त शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, रोजगार के मामले में कहा जाए तो अखिलेश से कम रोजगार नहीं दिया है। कहाँ से आंकड़े मिले आपको ये? कहाँ से सरकारी आंकड़ा? तो यूपी सरकार का ये कह रहा है कि सिवाय यूपी पुलिस के भर्ती किसी चीज में निकली नहीं है। ये बात 1,30,000, सुनिए सुनिए, 1,10,000, हेलो सुन लीजिए, 1,30,000 सुन लीजिए। यूपी के अलावा निकली है? यूपी के अलावा कोई वैकेंसी निकली नहीं? निकली नहीं? नो, इन्होंने तो मुझे 10 बता दी भैया। 41,500 में भी यही हुआ है, योगी सरकार में भी यही हुआ है। ओनली यूपी पुलिस, ओनली यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली यूपी सरकार में भी। बस 65,000 भर्ती शिक्षा की थी, 69,000। ये यूपी सरकार का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है, यूपी सरकार खुद कह रही है कि सिवाय दिल्ली यूपी पुलिस का कोई भर्ती हुई 69,000 शिक्षक भर्ती हुई कि नहीं हुई? अच्छा, शिक्षक तो धरना दे रहा है। कहाँ धरना दे रहे यार, ये बताओ, आप परीक्षा दो, आप अच्छे नंबर लेके आओ। हम तो कहते हैं बाबा से कि आप संतुष्ट है, आप बताइए। बता दिया, सरकार 2022 में बाबा जी की बननी है। अच्छा, बाबा जी के रोजगार के मामले में नहीं बनेगी? हम लेना भी नहीं बोल देंगे, सरकार नहीं बन देंगे। आप क्यों नहीं बनते भाई? बिल्कुल काम नहीं हो रहा भाई, काम नहीं हुआ नहीं बिल्कुल। आज किसानों ने बहुत अच्छा भाषण दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि योगी सरकार को जड़ से मिटाना है। अच्छा, बिल्कुल जड़ से मिटाना है। एक मिनट सर, आपने बहुत ये बताइए, नाराजगी का है बाबा जी से? नाराजगी सिर्फ नाम बदलने के अलावा सरकार यूपी सरकार में कर क्या हो क्या रहा है? इन्होंने तो बहुत सारे काम बताए, इनके लिए हो रहे होंगे, आपके लिए नहीं हुए, आप अलग रहते हुए। हम अलग रहते, हम दूसरे यूपी में है लगता है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।